नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु मेनीवाल एक बार फिर से आपके बीच में आ चुका हूं एस विवेकानंद कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके एलडीसी 2000 पेपर 2018 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम आपको जीके का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और इस पेपर में हमने आपको पहले भी बताया था कि हम हर दिन एक पेपर सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अब तक हम 4-5 वैकेंसियों में जा चुके हैं, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, एसओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, और आज हमारा एलडीसी है, लोअर डिविजन क्लर्क का जो 2018 वाला जो पेपर है, उस पेपर सॉल्यूशन के लिए हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज दोस्तों पहला आपके नजरों के सामने जो क्वेश्चन आ चुका है, पहला जो आपकी नजरों के सामने 51वां आज इस पेपर का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कौन से जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कौन सा है राजस्थान का इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भाई, कौन सा है भाई? झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। आप सभी को पता है इंद्रप्रस्थ कहां पर है, यह औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान में औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और भी कई नगरियों के नाम से ये जगह जो प्रसिद्ध है, कौन सी? कोटा। अभी तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेमस हो रखी है, और भाई साहब चंबल रिवर फ्रंट जो है बड़ा ही मजेदार है, कभी मौका मिले जरूर देखने जाओ, कोटा का चंबल रिवर फ्रंट बहुत मजेदार बन चुका है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, नंबर सेकंड आपका यहां पर क्वेश्चन आ चुका था, पर ये तो भाई साहब कुछ और ही आया है, कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं। 63, 51, अब ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आ रहा है। देखो एक बार, राजस्थान में देश में राजस्थान जो है वो देश में एकमात्र उत्पादक है किसका? सोना चांदी ग्रेनाइट का, टंगस्टन का, जेस्पर सीसा जस्तार बेलोस्टनाइट का, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे ऐसी चीजें जो केवल राजस्थान में पैदा होती है, पूरे इंडिया के लेवल में देखें तो उसमें आपको याद रखना है, देखो सोना चांदी ग्रेनाइट ये ऐसी चीजें जो राजस्थान के बाहर भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होती हैं, तो अकेला राजस्थान इसमें तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नंबर दो पे बात करें तो टंगस्टन ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान का है, केवल राजस्थान का कौन सा है? जेस्पर, सीसा, जस्ता और बोलेस्टनाइट, यानी कि इन पे बोलते हैं एकाधिकार। राजस्थान का क्या है? इस पे एकाधिकार है, राजस्थान का इस पे वर्तमान में क्या है? एकाधिकार है, ठीक है भाई। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, अब आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है यहां पर, और ये अपन ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अगला चलेंगे। 53 नंबर का, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपकरण के लिए, हाँ जी नमस्कार गुरुजी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सैनी, हमें हमारे बर्थडे की बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारा जो जन्म दिवस है, अवतरण दिवस, वो कल है, और आप सभी को विशेष रूप से शुक्रिया। हाँ जी, एक बार फटाक से सब लोग कमेंट करते चलो। हाँ, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई थी बिकॉज हम ट्रैफिक में फंस चुके थे और बुरी तरह फंस गए थे, है ना, पर आ चुके हैं ट्रैफिक से निकाल के। अगला बताओ सब, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी निवेश में सीमा क्या है उसकी? मिनिमम 25 से 5 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, 5 लाख से 2 करोड़ और 2 लाख से 1 करोड़। तो यहां पे जो इसकी जो सीमा दी गई थी लघु उपक्रम की, वो कितनी थी? वो थी 25 लाख से 5 करोड़ के मध्य में। 25 लाख से कितना थी 5 करोड़ के मध्य में। आज थोड़ा सा पॉइंटर में अलग तरह की विशेषता हमने चालू की है, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं बोलूंगा ज्यादा, डायरेक्टली हम टिक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगला यहां पर 63वां क्वेश्चन तो कैसे ही हो सकता है, अभी अपन 54 पे थे, 53 के बाद में, ओके, इधर आपका दूसरी साइड में 54वां क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ रहा है, और ये लो साहब, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की थी, है ना? तो यहां पे क्या है? भाकड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना और दिए गए सभी विकल्प। तो थोड़ा सा समझो, जल विद्युत परियोजना में राजस्थान ने किसी पड़ोसी राज्य के साथ में सहभागिता की है क्या? मुझे लग रहा है भाकड़ा नागल में तो की है, बिल्कुल, किसके साथ की है? पंजाब के साथ की है, एचपी के पास साथ में की है यानी हिमाचल प्रदेश, एचआर के साथ की है हरियाणा, ये 4 राज्यों की मिली हुई परियोजना है। कौन सी? भाकड़ा नागल परियोजना। हम बात करें चंबल, चंबल परियोजना पे तो केवल किसका है?
राजस्थान, लेकिन उसके साथ में एक राज्य और है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक। इसके बाद में ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना का संबंध भी पंजाब और हमारे राजस्थान से, पंजाब हरियाणा राजस्थान इन सब का संबंध है इससे। तो आपसे वो क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी है जिसमें जल विद्युत परियोजना है, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है दोस्तों, चार। तो यहां पे आप लगाओगे क्या, दिए गए विकल्प सभी सही है, क्यों, क्योंकि हमने राजस्थान वालों ने और कौन कौन से राज्यों के साथ में किया, तो हमने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए, ठीक है। तो यहां पे आंसर है दिए गए विकल्प सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, पंजाब एमपी एचपी हो गया था। राजस्थान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों को क्रियान्वित व संधारण करना, और ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों ही गलत है, जल्दी बताओ यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। दो कथन दे रखे हैं और दो कथन आपसे पूछे हैं, भाई इनमें से कौन सा सही है। तो यहां पे बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है मुझे, तो जहां तक आप समझ जाओगे, राज्य राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का काम है सरकारी क्षेत्र की शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, यह भी है, सरकारी स्वामित्व की बिजली घरों का क्रियान्वयन करना, यह भी है। तो यहां पर आंसर आएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही माने जाएंगे। बहुत बढ़िया भरत शर्मा, जल्दी जल्दी आंसर करते चलो भरत, गणेश, प्रियंका, मीना। अगला क्वेश्चन, और अगला यहां पे जो क्वेश्चन है आपका 54 के बाद में हम चल रहे हैं 55 की तरफ, ठीक है, और 55 आपका हो चुका है 56। क्या हो रहा है भाई, पचपन, और 56, ये रहा 56वां क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है, और ये क्या कहता है एक बार देख लेते हैं चलो। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक या राजवंश जो है वो यादव राजवंश से संबंधित है, देख लेते हैं एक बार, कौन सा राजवंश है जो कि यादव से संबंधित है। राठौड़ सूर्यवंशी थे, नहीं है, हाँ हाँ, सिसोदिया ये भी सूर्यवंशी थे, ये अलग है, गोयल थे, कछवा भी अलग है, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, भाटी। राजस्थान में दो ही हैं जो यादवों से संबंधित माने जाते हैं, एक का नाम है भाटी और एक का नाम है, आप सभी को पता है, जादौन शाखा यादव वंश करौली की, भाटी शाखा ने शासन किया था जैसलमेर में अधिकांश थे, और करौली क्षेत्र में किसने किया था, जादौन शाखा ने। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भाटियों का ये वाला। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, तो अजमेर का सबको पता है अर्नोराज, अजयराज, अजयपाल और पृथ्वीराज प्रथम, तो नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा जाओगे, अजय मेरु दुर्ग, अजय मेरु नगर किसने बसाया था, अजयराज ने, किसने बसाया था, अजय, अच्छा अजयपाल लगा दिया क्या मैंने, अजयराज ने लगाया था, किसने करवाया था, अजयराज ने, और अजयराज का शासनकाल याद रखना 1105 से लेकर 1105 से लेकर 1133 ईस्वी के शासन में रहा, यह साकंबरी का राजा था, इसी ने 1113 में क्या किया था, अजय मेरु दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था और यहां पर दुर्ग बनवा दिया था, और यही व्यक्ति है जिसके काल को चौहान वंश का निर्माण काल कहा जाता है, ठीक है, कौन है, अजयराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था, कौन से युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था, जैसा कि आप सभी को पता है 1582 में भाई 1582 में महाराणा प्रताप बरसेज कौन था एक साइड में, सुल्तान खां, कौन था, सुल्तान खां, ये सुल्तान खां अकबर का क्या था साहब, सेनापति या उसका मैं कहूं तो सामंत कह लो, और दिवेर नाम की एक चौकी हुआ करती थी जो अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र को कनेक्ट करती थी, या मेवाड़ की सबसे उत्तरी सीमा पर थी, ये दिवेर नाम की जगह वर्तमान में राजसमंद में है। दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने सब युद्ध जीते, मतलब बुरे दिन खत्म नए अच्छे दिन चालू, महाराणा प्रताप लगातार इसके बाद में जीतते गए थे, और दिवेर के युद्ध में विशेष भूमिका रही थी अमर सिंह प्रथम की, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर,
अच्छा इसके बाद में हम चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया तो तुम्हारा 58, 58 के बाद में हम बात करते हैं 59 पे। ये रहा 59 नंबर का क्वेश्चन, देखो दोस्तों क्या है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। आप सभी को पता है, देखो यंग इंडिया महात्मा गांधी छापते थे, महात्मा गांधी इतने ज्यादा फेवर में थे नहीं वैसे, यहां पे ज्यादा फेवर था महाराणा सॉरी यहां पे फेवर था प्रताप नाम के न्यूज़पेपर के एडिटर या संस्थापक जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये न्यूज़पेपर छापा जाता था दोस्तों कहां से, ये न्यूज़पेपर छापा जाता था कानपुर से। कहां से छापा जा रहा था, कानपुर इसका हेड ऑफिस था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह न्यूज़पेपर छापना प्रारंभ किया था। क्लियर, अगला चलते हैं। और बिजौलिया किसान आंदोलन में एक चीज और याद रखना कि विजय सिंह पथिक ने हस्तलिखित न्यूज़पेपर चालू किया था बिजौलिया में, जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। क्या नाम था, ऊपरमाल का डंका। ठीक है, अब बात करते हैं 60 नंबर पे, और नंबर 60 पे अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां पर हुआ था, तो यहां पे आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जयपुर प्रजामंडल के दो भाग हो गए थे। जो हीरालाल शास्त्री थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, उन्होंने तो जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था उस टाइम के जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ में, और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में यह था कि ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम हम मत करो। तो जयपुर प्रजामंडल ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। उनमें नेता थे बाबा हरिश्चंद्र। तो आजाद मोर्चे की स्थापना जयपुर प्रजामंडल से अलग करके 1942 में आजाद मोर्चे की स्थापना की थी बाबा हरिश्चंद्र ने, और यही आजाद मोर्चा आगे चल के 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर दोबारा से प्रजामंडल में मिल गया था। आंसर क्या है, जयपुर। 61 पे बात करें तो राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। बड़ा ही सिंपल है, वही व्यक्ति जो कि चाह रहे थे कि क्या कर लें, पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, हनुवंत सिंह। कौन थे, हनुत सिंह या हनुवंत सिंह, और यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, बी। ये व्यक्ति हैं जो कि बाद में एकीकरण के चौथे चरण में उपराज प्रमुख के पद पर स्थापित हुए थे। क्या बने थे, उपराज प्रमुख बने थे। ठीक है, तो हनुमंत सिंह आप यहां पे आंसर लगा लें, राजस्थान रियासतों को एकीकरण के समय जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह। उम्मेद सिंह 1947 तक रहे थे जोधपुर के राजा, और बाकी तो ये दोनों पहले के हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हनुमंत सिंह आ चुका है। अगला है आपका, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो आप सभी को पता है डोंडाड़ी, मालवी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। तो आंसर क्या है, सब ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो मालवी पे, क्योंकि मराठा साम्राज्य ने बहुत लंबे समय तक मालवा पे अपना शासन स्थापित किया था। तो राजस्थान में भी थोड़ा बहुत प्रभाव है मालवी का, मालवा रीजन जो है वहां पर मराठी भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं हम, तो यह रहा आपका 63वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए, और यहां पे चार नृत्य दे रखे हैं और चार जनजातियां दे रखी हैं। नेजा, नेजा है भीलों का, क्या है साहब, खेल नृत्य। इंडोनी, इंडोनी किसका है, कालवेलियों का। तेरेताली किसका है, तेरेताली कामड़ों का, कामड़ जाति का है। और बालर किसका है, गरासियों का। तो यानी 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर सही माना जाएगा। क्लियर, मैंने क्या कहा, चार जनजातियां, चार उनके नृत्य, और उनको सुमेलित करवाया। और अबले हमने एक चीज और देखी, पिछले 6 दिन से पेपर करवा रहा हूं मैं आपको, हर पेपर में नृत्य का एक प्रश्न आ रहा है, हर पेपर में आभूषण का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, बोर्ड दे रहा है, बस ध्यान रखना इन टॉपिक्स को, ध्यान रखना। अपन रटते रहते हैं पूरा बिजौलिया को, वो पढ़ रहते हैं राजवंश, रटते रहते हैं राजस्थान इतिहास, राजवंश, अरे महाराणा प्रताप ने ये कर दिया, अरे ये कर दिया, कहानियां रटी हैं लोगों ने। क्यों, क्योंकि स्कूल में क्लास में जब पढ़ते हैं ना इतिहास, तो बच्चों को कहानियां पसंद आ रही होती है, मास्टर राजी होता है, बच्चे राजी होते हैं, ये कहानी मास्टर बहुत अच्छा है, पेपर में कहानियां नहीं आती। चलो, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, सबको पता है सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य के संस्थापक, यहाँ राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा
की जाती है। यहां पर राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाते हैं? राधा अष्टमी का। कब मनाते हैं? भादवा शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में। और ये जो मंदिर है वो जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम है जगत सिंह। क्या नाम था? जगत सिंह। उनके द्वारा यह मंदिर स्थापित करवाया गया था। अगला, झेला जमेला पीपल पत्रा अंगूठा किस अंग के आभूषण माने जाते हैं? तो झेला नाम से समझ रहा है, झेला जमेला कहां का है? कान के। ये झेला जमेला अजीब गरीब जमेले लड़कियों के होते हैं, है ना, तो लड़कियों का आभूषण, और वो भी कहां पर है? कान का। और वो भी लाइक झुमका होता है ना, वो आजकल गाना चला है ना, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और यहां पर हम बात करें, 65 हो चुके, 66वां क्वेश्चन आपका यहां होगा। ये लो, थेवा कार्य जयपुर का परंपरागत शिल्प है। जयपुर का परंपरागत शिल्प कार्य कौन सा है? जयपुर का परंपरागत जो आपका शिल्प कार्य है वो कौन सा है? थेवा कार्य, ऊनी खादी, पेंटिंग्स और ब्लू पॉटरी। सबको पता है जयपुर का कौन सा परंपरागत? ब्लू पॉटरी। और ब्लू पॉटरी की इस कला को अकबर के पिता का नाम क्या था? क्यों, कई को जरूरत है तेरे को? चल पर बताई देता हूं। अरे हुमायूं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? उमरकोट के किले में, राणा बीरासाल के घर पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ब्लू पॉटरी हो गया, थेवा कार्य तो प्रतापगढ़ का है। ठीक है, चल तो अगला 67 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? अरे कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो जल्दी बताओ, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई थी? 1995, 1998, 2002, 2008। आंसर क्या है? भामाशाह योजना राजस्थान में 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। बिल्कुल, सीपी कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पॉटरी कला से ही, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। और कृपाल जी के द्वारा जो भी बनाई गई है ब्लू पॉटरी में, उनको अपन कृपाल शैली कहा जाता है, कृपाल कला के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 30 से ज्यादा रंगों का इस कला में प्रयोग लिया है। ठीक है, चलते हैं अगला। इसमें 2008 में भामाशाह योजना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेगुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो कौन सा आएगा दोस्तों? नंबर एक। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे आगे बढ़ोगे। क्लियर, सिक्सटी नाइन नंबर का आपका क्वेश्चन ये रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अब इसको थोड़ा सा मुझे कम जूम करना पड़ेगा। हाँ चलो देखो भाई, ये रहा, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? देख लेते हैं, आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। फिर कौन सा अगला? इसका मुख्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे कि लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव आदि। यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और परम सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है। यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। तो यहां पे उद्देश्य क्या था ग्राम आदर्श ग्राम पंचायत योजना का? इसका उद्देश्य था यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने में बढ़ावा देती है। सीमांत किसान उनको कहा जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि बिल्कुल जमीन है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जमीन है। उनको कहा गया यहां पर सीमांत, है ना, तो यहां पे क्या है? समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट 70वां, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
कमेंट करो रे जल्दी। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? पंचायत राज अधिनियम 1953 को कब संशोधित किया गया था? 1982, 90, 94 और 2002। आप सभी को पता है 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था और उसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। लेकिन राजस्थान में ये जो नियम है, ये एक्ट है जो लागू हुआ था, वो 1994 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1994 को लागू हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? सी। क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका यहां पर सही माना जाएगा। 70 के बाद में हम बात करते हैं 71 नंबर का। 2017-18, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को अभी वैसे तो याद करने की जरूरत है नहीं, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है, आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है, इनको कतई रटने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी कतई नहीं आएगा। ये आएगा 2024 का, 2023 के आंकड़े, 2022 के आंकड़े ज्यादा से ज्यादा, इससे पुराने आंकड़े यहां मतलब के नहीं है। पर इसका आंसर फिर भी लगाओ तो बी ऑप्शन लगा लेना। कौन सा है? बी ऑप्शन लगा लेना भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र श्री उम्मेद सिंह जो मिल्स है वो स्थापित की गई थी महाराजा उम्मेद सिंह जो कि राजा थे मारवाड़ के, 1939 में। मारवाड़ रियासत के राजा थे, 1947 तक ये इस पद पर रहे थे, यानी इनकी डेथ हुई थी 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें? ए ऑप्शन। चले आगे। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना और राज्य कृषि सिंचाई योजना। तो यहां पर जो आप आंसर दोगे कि इस समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से कर दिया गया था। आंसर क्या देना है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ये बहुत बार आया ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को तो याद ही रखना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था और ये हुआ था दोस्तों इंदिरा गांधी के टाइम पर 1973-74 में। कब हुआ था? 1973-74 में, बिल्कुल हाँ। रविंद्र कुमार आपकी जो उम्मीद मिल्स है वो पाली में है। कहां पर है? पाली में। लेकिन ये आंसर याद रखना, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में, इसमें राजस्थान के ऐसे इलाके ढूंढे गए जहां पे आगे चल के सूखा पड़ने वाला है, तो पहले ही उन पर जल संरक्षण का काम चालू कर दिया गया था। कई जगह 42 है, नहीं 39 मान के चलो आप। तो करे से पर गणेश शर्मा परेशान नहीं होना है, उम्मीद मिल से 1939 ही मानना है। अगला क्वेश्चन है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम और केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के बीच में कितने का क्या है आपको बताना है। तो केंद्र और राज्य के मध्य में कितना है? 50%, 75% या फिर 75-25, 60-40, 50-50, 70-30। तो आंसर क्या है इसमें? 75-25। कितना है? 75-25। ठीक है, अगला हम देखते हैं। पिंक बॉलमार्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक माना जाता है? जल्दी बताओ ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हो विशेष रूप से। नहीं, 75-25 था भाई, इसका आंसर बताओ। पिंक बॉलमार्म कौन सी फसल के लिए दिक्कत है? अरे इसकी कहीं जगह पे बता दिया गणेश शर्मा, 39 याद रखना, 42 का मैं तो क्या ही बताऊं कारण क्या है। हो सकता है प्रोडक्शन चालू हुआ हो, स्थापना 1939 में और 1942 में प्रोडक्शन चालू हुआ हो, इसलिए 1942 कई लोगों ने मान रखा है। ठीक है, चलो यहां पे क्या है? पिंक बॉलमार्म जो है उसका संबंध किससे? कपास नाम की फसल से। किससे माना जाएगा? कपास, कॉटन से माना जाएगा। ठीक है, शायद ए बिल्कुल सही है आपका, ए वाले। 77 पे देखें तो दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से मानक ऑटोमोबाइल्स के लिए लागू किया है, BS4, BS5, BS6, BS3। तो उस टाइम पे नया नया आया था, कौन सा? BS6 को लागू कर दिया गया था दिल्ली में, BS6 को दिल्ली में लागू कर दिया गया था। और BS यानी आपका जो इंजन है, जो गाड़ी के ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन है उनको अपडेट करके उनको हमारे प्रकृति
के अनुरूप बनाने के लिए ये काम किए गए थे। ठीक है, फिर हम बात करें तो भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है? भारतीय जो आपका आदित्य L1 है उसका संबंध किससे? यह सभी को पता है, यह मिशन जा भी चुका है। यह कौन सा है? आदित्य नंबर 1। इसका संबंध है सूर्य से। किससे? अरे सूर्य से। ये सूर्य के पास सबसे नजदीक जाके, हमारे यहां से जो कोई भी मिशन हमने भेजा है उनमें से सबसे नजदीक जाके उसकी गणनाएं उनको थोड़ा सा देखेगा, समझेगा। सूर्य संबंधित है, नाम से पता चल रहा है आदित्य। चलो 79 में क्या है? भारत में पहली बार जैव मिथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जैव मिथेन नाम की जो आपकी बस है उस पर भारतीय कंपनी कौन सी है जिसको लॉन्च कर रही है? उसका नाम है टाटा। मिथेन द्वारा संचालित बस को किया गया था किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। प्रियंका मीना, ओके, मोनू मीना, सबका सही है। रेणुका, सीपी, बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं इसके बाद में, 79 के बाद में 80, ये रहा। और 80 क्या कह रहा है? राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किस वर्ष को आधार वर्ष रूप में माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक वर्ष का आधार जो है वो है 1999-2000। 1999 जो है वो 2000 है, टाटा ये बॉस। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक जो है उसके आधार पर यहां पे आंसर क्या बताना? 1999 सन 2000। अगला 1981 वाला, सॉरी 81वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस केस में आजीविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु पर, गेहूं की फसल को नुकसान पर, वाहन को एक्सीडेंट क्षति पर, आग से घरेलू नुकसान होने पर, किस वजह से? तो सबको पता है अविका कवच बीमा योजना का संबंध भेड़ के मर जाने से है, यानी भेड़ के अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर। तो भेड़ों का यहां पर क्या होता है? बीमा होता है। यहां पर भेड़ों का क्या होता है दोस्तों? बीमा होता है। यहां पे हम आगे देखें, अगला क्वेश्चन है आपका तो 82 नंबर की बात करें तो केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया है? कौन से बोर्ड को यह अवार्ड मिला था? हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और मेघालय। तो आप सभी को पता है इसमें अपना राज्य का क्वेश्चन था तो राजस्थान ही आएगा। आंसर क्या है इसमें? राजस्थान को। किसको दिया गया यह अवार्ड? राजस्थान को अवार्ड ये दिया गया है। क्लियर, फिर चलते हैं अगला। त्रासीवा क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरुआत की गई थी? स्किल विश्वविद्यालय की शुरुआत राजस्थान का ही है, ये भी है ना, स्किल इंडिया के तहत इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पहला राजस्थान था जहां पे स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो वो कौन सा है साहब? राजस्थान। ये 2018-17 की बात है अपन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से कौन से जिले में किया गया था? तो नाम से वैसे समझ ही जाओगे, मेगा फूड पार्क, यहां पर ऐसा फूडी लोग कहां के? अजमेर के। कहां पहुंच जाओ? अजमेर। मेगा फूड पार्क का संबंध कौन से जगह से माना जाता है? अजमेर से माना जाता है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को डैश कितने ऋण प्रदान करेगी? कितने रुपए का यहां पर ऋण दिया जाएगा? अंत्योदय का मतलब होता है अत्यधिक आजीविका नहीं चलाने वाले लोग, कह सकते हैं अत्यधिक गरीब के लिए यहां पर आजीविका मिशन के तहत यह दिया जाता है। और लगभग कितने रुपए? 50,000 रुपए का लोन उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? कौन सा कलाकार है जो मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? ओम प्रकाश गालव, देवदत्त, कृपाल सिंह शेखावत, बेनीराम सोनी। जैसे कि सब जानते हैं मिट्टी के जो पात्र हैं, डिजाइनर कपड़े पात्र हैं, उनके लिए कौन है? कृपाल सिंह शेखावत तो ब्लू पॉटरी है, लेकिन ये भी तो चीनी मिट्टी पर, यहां पर चीनी मिट्टी आएगा, यह केवल मिट्टी पूछा है और केवल मिट्टी पूछा है, तो यहां पे आंसर क्या करना है आपको? ओम प्रकाश गालव। अगर हां चीनी मिट्टी आ जाता तो आंसर क्या हो जाता? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों का क्या करता है? आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87वां, राजस्थान में निम्न में से राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है। पहले प्रतीक चिन्ह बहुत आते थे राजस्थान पुलिस में, 15, 16, 17, 18, इस टाइम पे बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो प्रतीक चिन्ह मोर कहां का है, भीलवाड़ा का। मोर कहां का है दोस्तों, ठीक है, भीलवाड़ा आंसर कर देना। कौन से का प्रतीक चिन्ह है, मोर, भीलवाड़ा का। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है। अंबेडकर महिला पुरस्कार जो है उसके साथ में दी जाने वाली जो राशि है वो कितनी है दोस्तों, 51,000 रुपए। कितने हजार रुपए दी जाती है, 51,000, ठीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपकी नजरों के सामने आ चुका है, देखो एक बार। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया है। इसके क्वेश्चन में तो आंसर अपने आप ही है, क्योंकि जहां आप सोच रहे हो देवनारायण जी का संबंध, तो एक ही जिला है जहां पे इनका प्रधान मंदिर है। कौन सा है, भीलवाड़ा के आसंद में देवनारायण जी का क्या है, प्रधान मंदिर। तो इनका पैनोरमा कहां बनाया गया था, ठीक है, हाँ, खडमोर अजमेर का है, बिल्कुल, 1847 खडमोर कहां का है, अजमेर का। राजहंस है दौसा का। 90 पे देखो, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के कौन से शहर में स्थापित किया गया है। तो पहला डिजिटल आर्काइव जो स्थापित हुआ है वो हुआ है हमारा कहां पर, बीकानेर में। कहां पर हुआ है दोस्तों, बीकानेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा, पर ठीक है, थोड़ा बहुत उससे अलग भी है। भारत के सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। तो कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कितने परसेंट से, 33% जो आदर्श वन क्षेत्र माना गया पूरे भारत का, जो कि है नहीं, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 33% से ऊपर वन पाए जाते हैं। तो यहां पर टोटल 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर 33% से ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, 15वें नंबर तक। अगले पर हम बात करें तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब क्या किया, स्थापित किया था, और यह आप सभी को पता है 2012 में किया था। कब किया था, 2012 में। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में अब तक कितने बन गए, 4 तो बन ही चुके हैं साहब, है ना। तो आपको मुकुंदरा हिल्स याद रखना है 2012 में, 9 जनवरी 2012 को इसकी घोषणा हो गई थी। कई लोग आशिक के चक्कर में 14 फरवरी मत कर देना, पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे करंट अफेयर का था, ये क्वेश्चन आज भी इतना ही वैल्यूएबल है जितना उस टाइम पे था 2018 में, ठीक है। तो 9 जनवरी 2012 को आंसर कर दो इसका। अगला है, कथा किस वर्ष से निकाला जाता है। इसको बच्चा बच्चा जानता है, कथौड़ी जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों, खैर वृक्ष से निकाला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। दूसरे नंबर पे, पहले पे मीना, दूसरे पे भील। पहले पे मीना, दूसरे पे भील, तीसरे पे गरासिया। तो यहां पर याद रखना क्रम में, पहले पे मीना, दूसरे पे भील। दूसरे नंबर की पूछिए तो आप बता देना कौन सी है, रे, भील, ठीक है। यह आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए। पचानवेवा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। यहां पे भेड़ बकरी बहुत हैं, ऊंट भी बहुत हैं, तो मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए, दूध, मीट मांस, चमड़ा या अंडा। अब वैसे ना ऊन होता तो ऊन भी प्रधान है हमारे यहाँ का, लेकिन आपको बता दूं ऊन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या करना है आपको, दूध। ये मुख्य उत्पाद है हमारे यहाँ, बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है। हालांकि भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से, लेकिन राजस्थान भी कम नहीं है, कुछ अच्छे खासे यहाँ पे मवेशी हैं, पशुपालन बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में होता है, ठीक है साहब। आगे देखो, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे नहीं किया गया था। कौन से जिले का यहाँ पर समावेशी सर्वे नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पानी बहुत था।
कौन सा? उदयपुर झील वगैरह, नदियां वगैरह की, ठीक है। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर का सर्वे हुआ था 1971 के भू सर्वेक्षण विभाग के टाइम पे, ठीक है। 97 में बात करें तो राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया गया था? तो ये आप सभी को पता है, हर साल मनाते हैं हम क्या, वृक्ष महोत्सव। और वो कहाँ मनाते हैं? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर में। अमृता देवी बिश्नोई की याद में इस त्योहार को मनाया जाता है। एक ही 47 कह रहे हैं सर, राजस्थान नंबर वन हो गया दूध उत्पादन में अभी, अभी का तो आइडिया नहीं, हो सकता है अभी हो गया है। ओके ठीक है, हो गया भाई, अभी जस्ट चेक किया है तो हो ही गया है फिर तो। अब चलते हैं हम कहां पर, आपके दो तीन क्वेश्चन और हैं ये रहे। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या वाले पाए जाने वाले वन, सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वन जो हैं वो कौन से? सागवान के वन। ऊंचाई कितनी है? 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? सागवान। कहां पर है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। आगे देखें अगला, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप या बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? किस प्रकार के बालू के स्तूप क्या होते हैं? चिन्हित होते हैं। रेखीय या पवन पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप और तारा बालू का स्तूप। तो यहां पे आपसे पूछा है कि कौन से ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं। तो यहां पर आपको याद रखना, थार के मरुस्थल में दृष्टवती नदी की घाटी, यानी कि ये घाटी कौन सी है? उत्तरी वाला भाग, उत्तरी यानी कि हनुमानगढ़ गंगानगर वाला हिस्सा। तो यहाँ पर रेखीय वे पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप माने जाते हैं, यानी पवन के अनुवर्त में बनने वाले रेखीय, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए ऑप्शन, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सीसे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? सीसे जस्ते का कौन सा अयस्क नहीं है? गैलेना, कैलामाइन, जिंकाइट, हेमाटाइट। तो सिंपल सी बात है, हेमाटाइट लोहे का है, ठीक है, और बाकी सब किसके हैं? सीसा और जस्ता के। तो आंसर करोगे क्या? हेमाटाइट। ये आपके आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे? टोटल हमने यहाँ पे पढ़े 50 क्वेश्चन। और आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, कल संडे है तो कल ऑफ रहेगा क्लास, और फिर हम मंडे को दोबारा आपसे मिलेंगे कोई एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज की क्लास थोड़ी जल्दी में करवाइए, बिकॉज थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा था, मार्कर सही काम नहीं कर रहा था, सिर्फ टिक करने के काम में लिया गया है, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाया, ठीक है। तो बाकी क्लास हम कल लेंगे, कल का मतलब मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को 6:30 बजे जुड़ना ना भूलें, और आज थोड़ा क्लास लेट हो गई थी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।